around 10 p.m. Okay? You people are educated. पश्चिमी त्रिपुरा जिले के डीएम शैलेश कुमार यादव बीती रात से सुर्खियों में हैं। दरअसल शादी समारोह में अपनी टीम के साथ घुसकर उन्होंने दूल्हे समेत पुरुषों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ बदसलूकी की थी, जिस पर उनकी काफी आलोचना हुई। चौतरफा सवालों से घिरे डीएम शैलेश कुमार यादव ने आखिरकार माफी मांग ली है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में पश्चिमी त्रिपुरा के डीएम शैलेश कुमार यादव एक शादी समारोह रुकवाते हुए दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में भी काफी गुस्से में दिख रहे हैं। इस दौरान डीएम ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे लोगों को वहां से भगा दिया। इतना ही नहीं, डीएम ने दूल्हे को भी धक्का मार कर बाहर निकाल दिया। डीएम शैलेश ने कई लोगों के साथ अभद्रता की और भाषाई स्तर पर सीमाओं को लांघा। डीएम ने मैरिज हॉल में मौजूद लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट और अन्य मामलों के तहत केस दर्ज भी किया। इसके अलावा उन्होंने 30 लोगों को हिरासत में लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही काफी संख्या में लोगों ने डीएम को आड़े हाथों लिया और उनके बर्ताव की आलोचना की। वहीं वीडियो सामने आने के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने मुख्य सचिव मनोज कुमार को घटना की रिपोर्ट देने को कहा है। वीडियो पर सफाई देते हुए डीएम ने कहा कि उन्होंने किसी की भावना आहत करने के लिए ऐसा नहीं किया है। साथ ही उन्होंने अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांगी। ऐसा कुछ हुआ, अगर इससे किसी को ठेस पहुंची, किसी भावनाओं को ठेस पहुंची, तो हम क्षमा भी मांगते हैं। हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है कि हम क्षमा मांगे, लेकिन किसी के लिए, किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर लार्जर इंटरेस्ट, ताकि हमारे जो यहाँ के लोग हैं, भाई बहन एवं अगरतला में ही सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, सबके माता पिता यहाँ रहते हैं, सबके बच्चे इधर यहाँ पे रहते हैं, वो लोग सुरक्षित रहें। ये सिर्फ इसके लिए ही ये कदम उठाया गया कि एक कड़ाई के साथ हम थोड़ा सा उसको लागू कर पाएं। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से त्रिपुरा की बिप्लब देब सरकार ने 22 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था। सरकार के आदेश के अनुसार राज्य के सभी हिस्सों में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टुडे। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।